Hi everyone, welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rohit Garcha and this series is called To The Point. Abhimanyu IAS is a platform which prepares you for your UPSC and various PCS examination journeys. And it has more than 23 years of experience, has given out more than 2200 positive results since 1999. And To The Point ek aisi series hai jahan pe hum log baat karte hain current affairs ki from prelim point of view. Ki aise kaun se current affairs hain ki jinse prelims ke andar sawal बन सकते हैं, है ना, उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हैं और आपके सामने इस सीरीज के अंदर उसे कवर करते हैं. एंड वंस अ टॉपिक इज कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, यू कैन कंसीडर दैट टॉपिक टू बी डन फॉर योर प्रीलिम्स. एंड इफ यू विश टू कवर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली फॉर प्री एज वेल एज फॉर योर मेन्स, सो देर इज दिस कोर्स विच इज ऑलरेडी रनिंग फॉर प्री एज वेल एज मेन्स. इट इज बोथ इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्मेट, प्लस यू गेट अ 7 days प्री ट्रायल एज वेल. Link is in the description. Please check it out. All right. Let's see. हमारा आज का क्या टॉपिक है? It is Moscow format. Now, basically, Moscow format एक डायलॉग प्लेटफॉर्म है ऑन अफगानिस्तान इशू. अफगानिस्तान इशू के ऊपर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कि उनके इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करना चाहिए. द वर्ल्ड took it upon itself to address the issue in Afghanistan. Humanitarian issues हैं वहाँ पे जियो पोलिटिकल इशूज़ हैं, है ना, वहाँ पे गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, कौन फॉर्म कर रहा है, एट्रोसिटीज़ वाले इशूज़ हैं. इन सब को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे जो हैं वो प्लेटफॉर्म्स हैं. उनमें से एक जो है इट इज़ कॉल्ड मॉस्को फॉर्मेट, राइट. तो एक तो सवाल आपका डायरेक्टली इसके ऊपर ही बनेगा, जो बेसिकली बनना भी चाहिए कि मॉस्को फॉर्मेट है क्या चीज़ और कौन कौन सी कंट्रीज इसकी पार्ट है, एक सवाल उस पर बन सकता है. तो दो चार चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, हम ये दोनों चीज़ें ही दोनों तीनों चीज़ें इसमें आज की वीडियो में जो है हम कवर कर लेंगे. Let's see. The Moscow format is one of the several dialogue platforms on Afghanistan, which began before the Taliban takeover of Kabul. तो ये कोई recent phenomena नहीं है, ये थोड़ा पुराना है. 2017 से जो है ये platform जो है वो meetings कर रहा है, representatives जो हैं उसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे dialogue करते हैं. अभी हम और देखेंगे आके कि अफगानिस्तान जो current government है अफगानिस्तान में तालिबान, इट इज़ नॉट टेकिंग पार्ट इन द डिस्कशंस बट दे आर ओके विद इट, कि हाँ ठीक है आप लोग डिस्कस करो लेकिन हमारे इसके अंदर हमारी लैंड का कोई भी जियो पोलिटिकल यूज नहीं होना चाहिए, है ना. तो ऐसा सा इसमें कुछ जो है आपको क्रक्स देखने को मिलेगा. आगे चलते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ, देखिए ये कंट्रीज भी इंपॉर्टेंट हैं कि इसके अंदर अगर वो सवाल आपसे पूछ सकते हैं. इन टोटल दीज आर 10 कंट्रीज, है ना. तो कौन कौन सी हैं? रशिया, वी हैव चाइना, पाकिस्तान, ईरान, then we have the CAR, Central Asian Republics, है ना, इनको CAR बोलते हैं. कौन कौन सी हैं? कजाकिस्तान, then we have तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान एंड इंडिया, राइट. सो वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. सो वी हैव 10 कंट्रीज इन टोटल जो इस प्लेटफॉर्म का, इस फॉर्मेट का पार्ट है. क्या करता है ये? डायलॉग प्लेटफॉर्म है ऑन अफगानिस्तान इशू. आगे चलते हैं. द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉस्को फॉर्मेट ऑफ कंसल्टेशन इज टू फैसिलिटेट द नेशनल रिकंसिलिएशन प्रोसेस इन अफगानिस्तान टू एस्टेब्लिश पीस, है ना. ये देखो ये काम है इसका बेसिकली. नाउ जो सवाल है, अगर वो पूछेंगे कि मॉस्को फॉर्मेट क्या चीज है, है ना, और चार ऑप्शन दे देंगे और जैसे भी है, तो दिस इज द आंसर. की ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि एक प्लेटफॉर्म है और बहुत सिंपल सी बात है ये. द मॉस्को फॉर्मेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017 ऑन द बेसिस ऑफ 6-party mechanism for consultation, है ना, between, अभी 6-party mechanism, ये शुरू यहाँ से हुआ था 6-party mechanism, है ना. और 6 parties कौन कौन सी हैं? Special representatives from, we have Russia, Afghanistan, China, Pakistan, Iran and India. यहाँ पे क्या highlight होता है कि जो 6-party mechanism है, जब ये initially जो है ये start भी हुआ था, तो 6-party mechanism के अंदर India was a part, Pakistan was a part, है ना. तो ये सब चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, है ना. और इसके देखिए आप जो है कोई निमोनिक बना के इसको याद कर सकते हैं, याद होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए जो है. इट विल बी हेल्पफुल. इसके बेसिस के ऊपर भी जो कोई सवाल है वो पूछा जा सकता है. इंटरनेशनल रिलेशन, है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका क्वेश्चन बनेगा. चलिए आगे चलते हैं. फीचर्स, द US पुल्ड आउट ऑफ द लास्ट मीटिंग जो अभी रिसेंटली हुई थी, US ने पार्ट नहीं लिया उसमें. तालिबान डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द टॉक बट
welcomed the discussion and declared that it will not allow Afghan territory to be used against stability of the region. है ना, तो बेसिकली यहाँ पे जो हुआ है इसको हम कह सकते हैं कि इट्स अ क्लेम ऑफ सोवरेनिटी, कि आप हमारे ऊपर चर्चा जरूर कर सकते हो लेकिन सोवरेनिटी में दखल नहीं दिया जाएगा. तो बेसिकली ये इसका मुद्दा है यहाँ पे. आउटकम्स क्या हुए हैं इसके, की आउटकम्स. हालांकि देखिए डायरेक्टली ये प्रीलिम्स का पार्ट तो नहीं है, बट यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेंगे पॉइंट्स, ये समहाउ आपके मेंस में जो है वो कहीं ना कहीं काम आ सकता है. तो टू द पॉइंट में आज आपको ये भी दे देते हैं, कोई बात नहीं. द डायलॉग कॉल्ड फॉर रिस्पेक्ट फॉर ऑल अफगान एथनिक ग्रुप्स एंड माइनॉरिटीज इन अ बिड टू क्रिएट नेशनल रिकंसिलिएशन इन द वॉर टॉर्न कंट्री. द रशियन होस्ट प्रेजेंटेड अ वाइट बुक. देखिए अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि वाइट बुक क्या चीज है, तो उसके ऊपर सवाल आ सकता है ना. तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ यू आर मेकिंग नोट तो इसको जरूर आप उसमें मेंशन कीजिए. द रशियन होस्ट प्रेजेंटेड अ वाइट बुक ऑन सिविलियन लॉसेस इन अफगानिस्तान ड्यू टू द एक्शंस ऑफ नेटो फोर्सेस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो फोर्सेस ड्यूरिंग द पास्ट टू डेकेड्स. ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वाइट बुक है क्या, क्या उसके अंदर है, किनके एक्शन और किसके अंडर, जिस टॉपिक की हम अभी बात कर रहे हैं विच इज मॉस्को फॉर्मेट. The representatives at the talks also called for complete unfreezing of Afghanistan's asset by Washington. ठीक है कि यार जो अपने assets उनके freeze कर रखे हैं उनको unfreeze करो और completely unfreeze करो, सारे assets को आप उन्हें वापस करो. तो ये representatives इसके ऊपर जो है एक particular उसके ऊपर चर्चा में पहुंचे थे. The participants discussed the issues related to Afghanistan. These include क्या इश्यूज पे चर्चा हुई है, द करंट ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन एंड द ऑनगोइंग एफर्ट्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स टू प्रोवाइड असिस्टेंस, इंट्रा अफगान टॉक्स, क्योंकि अंदर वहां पे भी गुटबाजी जिसको कहते हैं हिंदी में गुटबाजी वहां पे भी है और चल भी रही है, तो उसके ऊपर इंट्रा अफगान टॉक्स, द फॉर्मेशन ऑफ एन इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड एफर्ट्स टू काउंटर थ्रेट्स ऑफ टेररिज्म एंड इंश्योर रीजनल सिक्योरिटी. तो जैसे अभी न्यूज में आता है विमेन के ऊपर एट्रोसिटीज है ना, उस टाइप की चीजों को एड्रेस किया है कि यार इंटरनली भी पीस होना चाहिए. इस फॉर्मेट के अंदर इसके भी डिस्कशन हुई है. और क्या कर रहे हैं वो, दे आर अर्जिंग द तालिबान गवर्नमेंट टू प्रिवेंट पॉपी कल्टीवेशन है ना. पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कॉल्ड अपॉन द तालिबान सेटअप टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट टू इरेडिकेट टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग है ना. नेक्स्ट इज स्टॉप एट्रोसिटीज. तो हुआ क्या था कि वहां पे अभी आप देख ही रहे हो न्यूज की एट्रोसिटीज, किसी भी टाइप की एट्रोसिटीज उस पर रोक लगे, एक ह्यूमैनिटेरियन जो रिजीम है वो फॉर्म हो, गवर्नमेंट फॉर द पीपल फॉर्म हो, तो ऐसी कुछ बातें. इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्मेशन, द पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेंट्स अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉर्मिंग अ ट्रूली इंक्लूसिव गवर्नमेंट. ट्रूली इंक्लूसिव गवर्नमेंट जहाँ पे सबके राइट्स को सुना जाए और सबको राइट्स जो हैं, जो बेसिक राइट्स हैं वो प्रोवाइड भी किए जाएं. तो ये अर्ज हुआ है तालिबान गवर्नमेंट को. नाउ लेट्स सी कि इसके ऊपर सवाल कैसा बन सकता है. हालांकि अभी आपको इट मे साउंड वेरी इजी बिकॉज आपने अभी वीडियो देखी और अभी आपके सामने आ गया, बट दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी एट ऑल, लेट मी रिमाइंड यू. क्योंकि ये चीज क्योंकि आप बार बार नहीं पढ़ोगे, ये एक बार आएगा आपके सामने और अगर आपने रिवाइज नहीं किया हुआ तो इट विल स्किप योर माइंड वेरी इजीली. अब क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मॉस्को फॉर्मेट. इट इज A military strategy by Ukraine. देखो अभी ये करंट के हिसाब से बोल दिया ना उसने, कंफ्यूजिंग सा ऑप्शन जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया. इट इज अ डायलॉग प्लेटफॉर्म ऑन अफगानिस्तान इशू. इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम. इट इज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑन स्पेस मिशन. तो अगर आपको नहीं पता होगा तो इट इज नॉट एट ऑल ईजी कि अगर आपको ये इसका डायरेक्टली आंसर नहीं पता है दिस क्वेश्चन, इसके अंदर आपका एलिमिनेशन की जो चीज़ें हैं एलिमिनेशन भी नहीं लग सकती है, इसके अंदर गेस वर्क भी नहीं हो सकता है, इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता है. ये एक सीधा क्वेश्चन है जो कि आपको प्लस टू देगा या फिर इट विल गिव यू जीरो मार्क्स बिकॉज आप इसको अटेम्प्ट नहीं करोगे. राइट, सो वी ऑल नो दैट इसका इस वीडियो के बाद में. तो इट इज अ डायलॉग प्लेटफॉर्म ऑन अफगानिस्तान इशू. तो दिस वॉज टूडेज टॉपिक. आई होप दिस इज इंफॉर्मेटिव टू यू. माई नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज अभिमन्यु आईएएस.